गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग सेंटर। आई एम निशा गुप्ता फ्रॉम जीसीसी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग, जिसको मेंटल एबिलिटी बोला जाता है, उसका एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये होता क्या है, जब हम अपने एग्ज़ाम्स देते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, बैंक एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये जो टॉपिक है रीजनिंग पार्ट में, ये टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस जो है इसके रिलेटेड हमें मिलते हैं, तो उसको आज हम करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग की इंट्रोडक्शन बताऊंगी। बिफोर स्टार्ट माई टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलते हैं, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग होता क्या है, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि कोडिंग होता क्या है। अ कोड इज़ अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। कोडिंग इज़ अ मैथड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर विदाउट अ थर्ड पर्सन नोइंग इट। देखो, कोड का एक सिग्नल होता है, कोड के साथ हम अपना मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, विदाउट कि थर्ड पर्सन को पता भी ना लगे, एक सेंडर से रिसीवर को वो मैसेज चला जाए। कोड लैंग्वेज जो है वो कैसे फॉर्म होती है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं कोड लैंग्वेज के लिए। सो वी कैन से दैट कोड लैंग्वेज इज फॉर्म बाय द सर्टेन रूल्स एंड पैटर्न्स। क्लियर? उसके बाद हम करने जा रहे हैं टाइप्स। देखो, टाइप्स क्या है कोडिंग डिकोडिंग की। फर्स्ट टाइप है इसकी, काफ़ी ज़्यादा इसकी वैसे टाइप्स होती हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो मैं जितनी भी टाइप्स है सबको अपनी अलग अलग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर टाइप को आपको एक्सप्लेन करूंगी, कि कल को आपको कोई भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो, फर्स्ट टॉपिक है लेटर टू लेटर कोडिंग। इसमें क्या होता है, लेटर एक दिया जाता है, उसकी कोडिंग आपने बनानी होती है लेटर की फॉर्म में। एंड सेकंड हमारे पास है लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर से हमने नंबरिंग में चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। थर्ड है टू कोड सम ऑब्जेक्ट्स इन द पजल फॉर्म। इसमें क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को पजल फॉर्म में दिया जाता है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो उसकी आपने कोडिंग को कैलकुलेट करना होता है। ये हमारे पास है कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, नर्सरी से ही हम लोग ये पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर? ये अल्फ़ाबेट्स तो सबको ही आते हैं ए टू जेड तक। देखो, इसकी नंबरिंग कैसे लिखनी है, इस अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ को कैसे बनाना है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। इसकी जो सीरीज़ है, इसको हम टू हाफ्स में लेके चलते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स हमें पता है 26 होते हैं, हम क्या करेंगे, जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इसको टू सीरीज़ में, 13 एंड 13, टू सीरीज़ में इसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट सीरीज जो है हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखो, उसके ऊपर मैंने उसकी नंबरिंग भी डाल दी है, 1 से लेकर 13 तक कॉन्टिन्यूस। उसके बाद है, जब आपने M के बाद करना है शुरू, M के बाद क्या होता है N, तो हमने नीचे से इसका सेकेंड हाफ लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर जो है, फर्स्ट हाफ में हमने A टू M लिखना है, उसके बाद हमने N से लेके Z तक रिवर्स ऑर्डर में M के नीचे से स्टार्ट करना है, N O P Q R S T U V W X Y Z। क्लियर? उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी नंबरिंग भी दे देंगे। यहाँ पर 13 तक नंबरिंग थी, उसके बाद आएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो, जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है जेड, उसकी काउंटिंग क्या आ गई, 26। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हम लोगों ने जो छोटी क्लासेस में अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, देखो इसका कोडिंग एंड डिकोडिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल ये अपना प्ले करते हैं, कि विदाउट अल्फ़ाबेट के साथ हम कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अब मैं इसमें आपको नंबरिंग भी मैंने बता दी है, अब मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि इनके नंबर को याद कैसे करते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कोडिंग डिकोडिंग है उसकी वेरियस टाइप्स होती हैं, हम हर वीडियो में एक एक वीडियो करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर टाइप एक्सप्लेन करूंगी। बट आज की वीडियो में मैं आपको जो लेटर टू लेटर कोडिंग है उसकी 2-3 एग्जांपल्स करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में लेटर टू लेटर की नेक्स्ट एग्जांपल्स हो जाएंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम लेटर टू नंबर कोडिंग करेंगे। बट फर्स्ट जो वीडियो है इसमें मैंने अभी इंट्रोडक्शन दी है, तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इनके नंबर को कैसे लर्न करते हैं। कुछ तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा ना, कुछ हम लर्न करेंगे, उसको माइंड में सेटअप करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जब हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास ए से लेके जेड तक है,
इनकी नंबरिंग भी है, नंबर याद करना तो बड़ा ही मुश्किल लगता है, बट हम मैंने कुछ क्रिटेरिया ऐसा लिया है, आप कुछ लर्न कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले ए से लेके ई तक जो पांच अल्फाबेट है, ये तो सबको मोस्टली लर्न ही होते हैं, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ये नंबर सबको मोस्टली याद होते हैं। उसके बाद आता है सिक्स नंबर। देखो सिक्स क्या है, फिक्स, एफ फोर फिक्स, सिक्स फिक्स सिक्स, ये आपके पास बन गया फिक्स सिक्स, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। उसके बाद है मेरे पास जी, ठीक है, जी सेवन, हम लेके चलेंगे एक नंबर बनाते हैं हम लोग जी एन यू, जी एन यू, जी का नंबर मैंने बोला है सेवन, ये तो मेरे पास सेवन, सेवन टू ज़ा 14, सेवन टू ज़ा 21, ठीक है। जी एन यू को मिड टू मेमोरी कर लो, कैसे करेंगे, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, गुरु सेवन, नानक 14, यूनिवर्सिटी 21, ये देखो आपके पास जी का भी लर्न हो गया, आपने एन को भी लर्न कर लिया, उसके बाद आपके पास यू जो है 21 है उसकी नंबरिंग भी आपके पास याद हो गई। उसके बाद हम करेंगे ई जो टी, ई 6 O T Y, ई जो टी, देखो ई का नंबर हमें पता है 5 है, जे का 10 15 20 25, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, ये भी हमारी नंबर की लर्निंग होगी। उसके बाद जैसे मेरे पास है वी है, वी का मतलब क्या है, वैन, देखो वैन में दोनों साइड्स पे सीट्स होती हैं, दोनों साइड्स पे सीट्स होती हैं, इट मीन्स 22 22। डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वाइफ, तो देखो 23 नंबर है इसका, मोस्टली 23 ईयर्स की एज में वाइफ मिल ही जाती है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो। उसके बाद हमारे पास है एस टी यू, एस टी यू की हम सीक्वेंस लिखते हैं एस टी यू, देखो लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ तो हम रखेंगे ना कंसेप्ट अपना, एस टी यू, हम ये सोच सकते हैं कि एक सीमा नाम की लड़की है, 19 साल की लड़की है, वो ट्रेन में बैठ के उत्तराखंड चले गई, तो ये क्या 19 20 21, इसको भी लर्न कर सकते हैं। पी मेरे पास क्या है, प्रिंसेस 16 ईयर्स की, प्रिंस 16 ईयर्स का, क्यू क्वीन 17 ईयर्स की, एम का मतलब क्या है, एम मेरा, 13 नंबर है 13, एम का आएगा 13, एल आपके पास है 12, एल फॉर लॉयन, लॉयन को देखकर 12 बज गए, तो इसका भी याद रहेगा आपको। उसके बाद है के, देखो के में क्या है, टू लाइंस है, टू लाइंस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, 11 बन जाता है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है H है, ये देखो H है, H को हम ऐसे लिख दिया मैंने, H यहाँ पे भी नीचे भी लाइन लगा दी, ऊपर भी लगा दी, तो देखने में तो 8 लग रहा है ना आपके पास, इसका हम एक और बना सकते हैं HPX, HPX मतलब हाई प्राइस जीरोक्स, H है 8, P 82 का 16, X 83 का 24, ये भी हमारा लर्न हो गया, हाई प्राइस जीरोक्स, क्लियर, ये भी हमारे पास क्लियर है। इसी वे के साथ आप लोग जो है सबके नंबर्स को याद रख सकते हो, जितना आप नंबर्स को याद रखोगे आपको क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर। लास्ट का तो हमें याद ही, जैसे ए का 1 होता है तो लास्ट जेड है, वो भी लास्ट अल्फाबेट है, वो इसका 26 हो गया, क्लियर। उसके बाद हम करने जा रहे हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो ये कोडिंग का क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज, टीचर इज रिटन एज वी जी सी ई जे जी टी, देखो टीचर का कोड ये दिया हुआ है, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड, आपने बताना है कि चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा, चिल्ड्रन की कोडिंग क्या है। देखो उसके लिए मैं कैसे लिखूंगी, यहां पर मैं लिखूंगी टी ई ए सी एच ई आर, ये है टीचर। अब टीचर की कोडिंग उन्होंने लिखी हुई है, इसके नीचे है वी जी सी ई जे जी टी, क्लियर। ये देखो कोई भी क्वेश्चन करना है लेटर टू लेटर, जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि आपने अल्फाबेट्स को टू हाफ्स में लिख लेना है, ए से लेके जेड तक लिखना है, पहले ए से लेके एम तक, देन एम से लेके जेड तक, टू हाफ्स में लिख लेंगे जब हमने कोई भी क्वेश्चन करना, तो बड़ा इजी वे है कि इसको टू हाफ्स में लिख लो, आप बहुत जल्दी आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है,
टी का आया वी, ई का आया जी। अब यहाँ से चेक करो, देखो टी के बाद आया वी, टी के बाद वी, एक छोड़ दिया, सेकेंड नंबर पे है वी, सेकेंड मेरा है ई के बाद जी, ई के बाद क्या है जी है, फिर वन छोड़ के आगे, मतलब टू टू नंबर जो है वो फॉरवर्ड जा रहे हैं, टू टू अल्फ़ाबेट फॉरवर्ड जा रही हैं। ए के बाद सी, सी के बाद ई, एच के बाद जे, ई के बाद जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू टू फॉरवर्ड चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। उसी के वे, उसी वे के अकॉर्डिंगली हम लोग चिल्ड्रन को फाइंड आउट कर सकते हैं, सी एच आई एल डी आर ई एन। तो आपने ये, आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने ऑप्शन को देखना है कि फर्स्ट अल्फाबेट ई है, तो सी के बाद मेरा क्या आएगा, वन को छोड़ के सी डी ई, तो ये आ गया ई। उसके बाद है एच, एच के बाद क्या आता होता है, वन छोड़ के एच आई जे, तो मेरे पास क्या आएगा जे। अब देखो अगर आपके पास दो अल्फ़ाबेट्स तो ये आ गए, अब अपने ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, ई जे मेरे पास ए सी एन डी तीनों में आया है, इसका मतलब सेकंड तो किसी भी हालत में ऑप्शन हमारी हो ही नहीं सकती। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में डिफरेंस है, तीनों में के जा रहा है, आई के बाद क्या होता है, आई के बाद होता है के, एल के बाद क्या होता है एन, डी के बाद आपके पास क्या है, डी के बाद क्या होता है ई और एफ, आर के बाद क्या आएगा एस टी, यहाँ पर आ जाएगा टी। अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑप्शन में, ई जे के एन एफ टी, ई जे के एन एफ टी, ये भी रॉन्ग हो गया मेरे पास, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो गया, ई जे के एन एफ टी ये भी मेरे पास रॉन्ग हो गया, तो क्या आ गया ई जे के एन एफ टी जी पी। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि मेरी जो ऑप्शन है वो फोर्थ वाली ऑप्शन है हमारा। यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता तो हमारा कितना टाइम सेव हो गया, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिमिलर हमारे पास है सेकंड एग्जांपल है, इफ़ हेल्थ इज़ रिटन एज, अगर हेल्थ का कोड आपको गिवन है, हेल्थ इज़ रिटन एज जी एस के जेड डी जी, देन हाउ विल नॉट बी रिटन इन दैट कोड। अब हम करेंगे इसके लिए, देखो मेरे पास क्या है हेल्थ, पहले हम लिखेंगे हेल्थ का एच ई ए एल टी एच, ठीक है, उसके नीचे लिख देंगे जी एस के जेड डी जी, क्लियर बेटा, ये हमने कर लिया है। अब इसमें क्या है, देखो ध्यान से देखना, एच के बाद क्या है जी, हमें पता है एच के बाद जी है, इसका मतलब एच का एक रिवर्स जा रहा है जी, बट ई के बाद एस नहीं है। हम लोग अगर इसमें, पता क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम सीरीज़ में लिखते हैं, देखो सीरीज़ में लिखते हैं, जब हमने कोडिंग चेक करनी है वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, डायगनली भी हो सकती है, और रिवर्स भी हो सकती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटे छोटे ट्रिक्स है वो ध्यान में रखने हैं। ये देखो एच का क्या आ गया जी, ई का क्या आ गया डी, ए का क्या आ गया रिवर्स, देखो ए का जेड, एल का क्या आ गया रिवर्स, एल का आ गया के, टी का रिवर्स क्या आ गया एस, एच का रिवर्स क्या आ गया जी, क्लियर। तो यहाँ से स्टार्ट किया, उसका रिवर्स बैक पर जा रहा है, हम लोग कह सकते हैं ईच लेटर इज मूव्ड वन स्टेप बैकवर्ड टू ऑब्टेन दिस रूल। सो सिमिलरली इसी वे के साथ हम नॉर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कोडिंग निकाल सकते हैं, एन ओ आर टी एच। देखो N का बैक क्या आएगा, N का बैक क्या है, N के बैक पे क्या आएगा M, तो M हम यहाँ पर लिखेंगे। जब हमने यहाँ पर लिखा, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं, फोर ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो हम लोग तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि हमारे पास कौन सा, जिसके लास्ट अल्फ़ाबेट को चेक कर लो क्या आ गया M, तो मेरी ऑप्शन ये आ गई, ये तो हमें क्लियर हो गया। बट अगर हम इसको प्रॉपर वे के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, O का बैक और क्या आएगा, O के बैक पे क्या है N, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया N, R के Q, T का S, H का G, ये भी हमारे पास आंसर आ गया, क्लियर। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, इफ बॉम्बे इज रिटन एज एम वाई एम वाई एम वाई, हाउ विल तमिलनाडु बी रिटन इन दैट कोड। अगर बॉम्बे को एम वाई एम वाई एम वाई के साथ लिखा गया है, तो तमिलनाडु को किस वे के साथ लिख सकते हैं, उसका कोड क्या होगा। देखो इसमें, देखो जो बॉम्बे है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर बी ओ एम
BAY बॉम्बे। इसका एक थर्ड अल्फाबेट एंड सिक्स अल्फाबेट को 3 times रिपीट किया गया है, MY MY MY। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु का लेके चलते हैं तो तमिलनाडु में क्या आएगा, तमिलनाडु। आपने थर्ड एंड सिक्स लिया था ना, इसमें थर्ड सिक्स और नाइन्थ लेटर्स एट थर्ड सिक्स एंड नाइन्थ जो प्लेसेस पर हैं उनको रिपीट किया गया है थ्राइस, मतलब 3 times टू कोड। ठीक है, कोड कौन सा है, तमिलनाडु, एज MNU 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 क्या आएगा, MNU MNU MNU। ये देखो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गई, MNU MNU MNU। क्लियर। सो इस वे के साथ लेटर टू लेटर कोडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेटर टू लेटर कोडिंग के और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में फ्रेम किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।